एक समय रेलवे से पूरा देश चलता था, आज ऐसा कंडीशन आ गया कि रेलवे अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा, सैलरी नहीं दे पा रहा है, तो आस्ते आस्ते प्राइवेट हो रहा है, ये सबको पता है। ये सब बात को छोड़ो, ठीक है। अभी कुछ जो वैकेंसी आया एएलपी में, उसमें इतना कम वैकेंसी आने के बाद दुनिया भर का आंदोलन हुआ, फिजिकल प्रोटेस्ट भी हुआ, रेल मंत्री बहुत कुछ बोले नहीं इसके ऊपर। फाइनली ये लोग देखे कि कुछ दिन पहले बच्चों लोग भी, कुछ साल पहले जो बच्चे ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, गजब का आंदोलन किए थे, फिजिकल प्रोटेस्ट। फिर वैसा ही देश में आंदोलन ना हो, सामने में चुनाव आ रहा है, तो इसके लिए जो आज सामने मीडिया के ये आए, ठीक है, कुछ बात बोले। मैंने आपको वो सुबह बताया, और जब ये आए ना तो ये खबर जो है वो आग की तरफ फैल गया। रेल मंत्री आ गया, कुछ बोल दिया, तो सभी कोई वीडियो बनाने लगे कि रेल मंत्री बोला ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो हम एक बात समझे ना, कि एक बार काम करते हैं, इनका जो पिछला बयान था, मतलब ये लोग बाबू, देखो आप किसी पार्टी से हो, आप ऐसा छात्र सोचो यार, यहां पर ना अपने हक के लड़ो, ठीक है। पहले एक बात बोलो, ये लोग ना सच कम झूठ ज्यादा बोलते हैं, ये सब जानता है, ये खुद जानते हैं, हम लोग छोड़ो ये खुद जानते हैं। कोई कुछ किसी से पूछ लोगे ना, सबसे झूठ बोलने में कौन सी पार्टी है, तो आपको लगेगा भैया बुराई कर रहे हैं। हम बुराई नहीं करें, इन लोग खुद को पता है, हम किसी का नाम, इनको खुद को पता है। तो हम सोचे ना एक बार ना, जो प्रीवियस डाटा है जो ये लोग खुद बोले हैं, ना किसी वेबसाइट का, ना किसी टीचर का, ना किसी छात्र का, ये लोग जो खुद बोले थे इसके पहले, अभी क्या बोल रहे हैं, दोनों बयान को एक बार मिलाते हैं, देखते हैं कितना सच्चाई है। क्योंकि दो तीन महीना बाद चुनाव है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मामला को दबाने के लिए जो है टाल दे रहे हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे सबको पता है, क्या होगा नहीं वो बात की बात है। तो एक बार सोचे ना, इनका जो पहले का रिकॉर्ड था, जो डाटा था रेल मंत्री का, मेरा आपका नहीं, रेल मंत्री का, एक बार वो डाटा हम निकालते हैं, पहले रेल मंत्री क्या क्या बोले थे, रेल में कितना भर्ती, कैसे होगा, क्या क्या होगा, एक बार वो डाटा हम निकालें, और एक बार ना जो आज ये बोले, दोनों बयान को मिलाते हैं, फिर फैसला आप पर छोड़ते हैं। एक बार सोचिएगा, मतलब चल क्या रहा है रेलवे, फिर चल कैसे रहा है, इतना बड़ा रेलवे भारत, इंडियन रेलवे, जिसका नेटवर्क पूरा देश भर में फैल रहा है, ठप तो नहीं है, चल रहा है, सब कुछ काम हो ही रहा है, तो हो कैसे रहा है, क्यों भैया क्या बात है, सुनो मेरा बात एक बार। आप सभी को पता है, इतना 20-20 लाख बच्चे ट्वीट किए, ये लोग एक जवाब तक नहीं दिए, क्योंकि इनको पता है 6 साल से ये लोग यही करते हैं, ट्विटर पर कैंपेन वगैरह, कुछ होगा नहीं इन लोग से, छोड़ दो, बाकी मुद्दे पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। उसके बाद 27 तारीख को बिहार में जो बच्चे लोग हैं वो फिजिकल प्रोटेस्ट किए, एकदम शांतिपूर्वक, एकदम अच्छा से, बहुत फख्र की बात है। उसके बाद ये लोग सोचे ना कि पहले भी ग्रुप डी में बच्चे आंदोलन किए थे, तो हम लोग उनका रूप देखे ही थे, फिर वैसा माहौल मत बन जाए, फिर चुनाव आने वाला है। तो ये क्या किए, आज सुबह सुबह आ गए मीडिया के सामने, और जब आए तो एक कुछ भाषण दे दिए, भाषण ये दिए बाबू, जो भाषण दिए मैंने आपको सुनाया, ये नॉर्मल क्या बोले थे, पहले सुन लो, उसके बाद डाटा दिखाते हैं जो पहले इनका बोलना था। ये लोग बोले थे कि 1.5 लाख जो भर्ती है ना, वो हम लोग करा चुके हैं, 1.5 लाख रेलवे में भर्ती, ठीक है, मान लेते हैं ग्रुप डी वाला जो आप निकाले थे, एएलपी निकाले थे, एनटीपीसी निकाले थे, 1.5 लाख हो गया मानकर चलो। इसके बाद बोल रहे हैं, इसके बाद जस्ट हम लोग ना एएलपी का जो प्रोसेस है वो करवा रहे हैं। कितना करवा रहे हैं, ये मीडिया भी जो पूछ रहा है ना, एकदम ना दिमाग से पैदल है, उसको कुछ बुद्धि नहीं है, खाली माइक लेके खड़ा है। अरे उनसे पूछो कितना करवा रहे हैं, 5,500, 6 साल के बाद, ठीक है। मतलब मीडिया भी जाता है ना, डरता है पूछने में, हम लोग को भेजो यार, फट जाएगा इन लोग का जवाब देने में। आगे दिखा दे डाटा आप सभी को। फिर बोला इन्होंने बोले फिर क्या बोले, कि अभी एएलपी वैकेंसी जो है वो चल रहा है, प्रक्रिया 5,500 का हम लोग करवा रहे हैं अभी वर्तमान में, 6 साल के बाद। फिर बोले अभी ना आगे और भर्ती आएगा, ठीक है, रेलवे में जाकर सभी को बोल दीजिएगा, स्टूडेंट लोग को, अभी और भर्ती आएगा, टेक्निकल में भी आएगा, नॉन टेक्निकल में आएगा, ग्रुप डी में भी आएगा, जाकर बोल दीजिएगा अभी आएगा, ऐसा बोल दिए, ठीक है। और फिर बोले कि ना सबको विश्वास दिलाओ, मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, दिस ईयर विल बी एनुअल प्रोसेस, वार्षिक प्रक्रिया है, ठीक है, अभी और भर्ती रेलवे में आएगा, ये बोलकर चले गए। अब इस खबर को सब कोई अपलोड कर दिया कि रेल मंत्री बोले भर्ती आएगा, भर्ती आएगा, भर्ती आएगा, भर्ती आएगा, आग की तरह खबर फैल गया कि रेल मंत्री बोले भर्ती आएगा। कब आएगा इनको खुद को नहीं पता है, कितना आएगा इनको खुद को नहीं पता है, कितना वैकेंसी कम क्यों आया, एज का क्या हुआ, टेक्नीशियन का पोस्ट क्यों नहीं आया, 6 साल में भर्ती, इस सब सवाल कोई पूछा ही नहीं, सिर्फ बोलकर जितना उनको सिखाया गया उतना बोलकर चले गए। उसके बाद एक हम बात सोचें, इनके आज के बयान को और पहले के बयान को थोड़ा मिलाते हैं।
याद करो जब रेल मंत्री कौन था, पीयूष गोयल। जब रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, उस समय उन्होंने क्या बोला था, उस समय भी चुनावी साल था, वो लोग बोले थे कि दावा है कि रेलवे 21 तक भर्ती प्रक्रिया को आगे, थोड़ा ध्यान से सुनाते हैं, इसके बाद आप खुद सोचिएगा रेल आपके रेट में चल कैसे रहा है। इनका ही बात डाटा जो है, नई दिल्ली केंद्र सरकार चुनावी पटरी पर नौकरी की इंजन के सहारे अपनी सियासी ट्रेन को रफ्तार देने जा रही है, ठीक है। इसके लिए 400,000 युवाओं को नौकरी देने की योजना है, रेल मंत्री पीयूष गोयल का दावा है। कितना भर्ती, मैं थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत वही उसी हिसाब से 400,000 देने का इन लोग का योजना था। उसमें ये बोले कि रेल मंत्री पीयूष गोयल का दावा है कि रेलवे 2021 तक, कितना तक, 21 तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लेगा, साथ ही इन भर्तियों में सामान्य वर्ग के करीब का अलग से कोटा भी होगा, ठीक है। कितना पूरा करेगा, तो ये 1.5 लाख शायद बोले हैं, कहां गया डाटा, उस समय बोले थे 1.5 लाख प्रक्रिया जो है वो पूरा हो जाएगा, 1.5 लाख बोले हैं। इसके लिए 400,000 युवाओं को नौकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल का दावा है कि रेलवे 21 तक भर्ती प्रक्रिया पूरा कर लेगा, साथ ही इन भर्तियों सामान्य वर्ग के गरीब का अलग से भी कोटा होगा। आगे पढ़ते हैं, शायद आगे में होगा, 400,000 भर्ती देने का बात था। हाँ, यहां पर देखो बोले हैं, गोयल ने कहा है कि 1.5 लाख से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, यानी वही 18-19 में जो ALP ग्रुप डी निकला था ना, वही वाला, यानी 1.5 लाख उस समय जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा था, ठीक है। फिर कोरोना आ गया, जब कोरोना आ गया तो 2 साल एग्जाम वगैरह हुआ ही नहीं। आगे सुनिए क्या बोल रहे थे, जबकि 400,000 पद खाली था, 1.5 लाख का प्रक्रिया चल रहा था, मतलब अभी भी 2.5 लाख पद सरकार के पास वैकेंट है उस समय रेल मंत्री के अनुसार। आगे बोल रहे हैं, मार्च तक कई औद्योगों को नौकरी मिलनी भी शुरू हो जाएगी, अगले 2 साल में रेलवे करीब 2.5 लाख, इस बात को नोट करिएगा, 2.5 लाख लोग जो है वो रिटायरमेंट होंगे अगले 2 साल में। यानी मान ले हम भी लेते हैं 2022 तक जो है वो 1.5-2.5 लाख लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं। अब कोरोना आए या नहीं आए, जाए या फिर नहीं जाए, 2.5 लाख जिनको रिटायरमेंट होना जिस उम्र में वो तो होंगे ही होंगे, कोरोना आए चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 2022 तक भी मान लो 2.5 लाख लोग रिटायरमेंट हो गए, फिर 23 में ये लोग कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, फिर क्या बोले 24 में, 23 में भी मान लो आप सभी का, हम 2 साल में 2.5 लाख हुए तो मान लो 1 साल में 50,000 कम से कम मान लो, यानी 2023 तक जो है 3 लाख रेलवे में पद खाली था, ठीक है, 3 लाख पद खाली था। और ये हम नहीं बोले, आप नहीं बोले, ये सरकार बोली, सरकार का डाटा था, ठीक है। उसके बाद क्या कि 24 में चुनाव से ठीक पहले ये लोग बोले हम भर्ती निकाल रहे हैं, किसमें, जिला में नहीं, स्तर में नहीं, ग्राम पंचायत में नहीं, मतलब वार्ड में नहीं, एक राज्य में नहीं, इंडिया स्तर पर निकाल रहे हैं रेलवे में भर्ती, ठीक है। कितना निकाल रहे हैं, बहाली आपके पास है कितना, कम से कम 3 लाख, उसमें आप 5,500 भर्ती निकालें ALP का, ठीक है। और आप कुछ दिन पहले आप भी नोटिफिकेशन जारी करके बोल भी दिए थे जो RPF में भर्ती आएगा वो कितना आएगा, 2,200, समझ रहे हैं आप, आप एक बात समझ रहे हैं, दो विभाग हो गया, ALP हो गया, RPF हो गया, कितना में निपट गया, 8,000 भी डाटा नहीं पहुंचा, और भर्ती कितना अभी खाली है, 3 लाख। अभी जो 3 लाख लोग रिटायरमेंट हुए हैं तो उस पद पर कोई तो बैठकर काम कर रहा होगा ना, हम आप कोई तो काम कर रहा है, कोई तो काम कर रहा होगा, इसमें गुस्सा करने की बात नहीं है, कोई तो काम कर, कौन कर रहा है वो पद, काम रेलवे चल कैसे रहा है भाई, 3 लाख लोग बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद हम तो बहुत बताए नहीं, ग्रुप डी में जितना लोग ज्वाइनिंग किए थे, आप पूछना बाबू कितने सारे लोग ना ज्वाइनिंग कर जॉब छोड़ दिए, उनका डाटा अलग है। तो मान लो अभी बोल रहे कि ना ये वार्षिक प्रक्रिया है, अभी आगे वैकेंसी और आएगा, अच्छा मतलब आगे में वैकेंसी, आप फिर जीत गए, आप फिर आ गए पार्टी में, तो ग्रुप डी का आप वैकेंसी निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 1,000, ठीक है, 1,000 वैकेंसी। NTPC के लिए फिर से फॉर्म फिलअप किया गया, कितना, 750, ऐसे वैकेंसी आएगा, मतलब आपके हिसाब से तो वैकेंसी ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि आप देखिए खुद देखिए 3 लाख पद में आप इतना कर रहे हैं वो भी 6 साल में, तो मतलब इनके ऊपर भैया एक जुमला भी हो सकता है ना। अब हम इसके ऊपर ना ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आज की डेट में ना अगर ईमानदारी से कुछ बात भी बोलो ना तो लोग वहां से बोलते हैं ना कांग्रेसिया है, एक कुछ बोलता है कि आतंकवादी है, देश विरोधी है, अलग गुट का इंसान है, मतलब
ऐसा माहौल बन गया है। और देखो, और ये जो बात है ना बाबू, ये डेमोक्रेसी में हम लोग मतलब खत्म हो चुका है कि हम लोग संविधान से चलता हमारा देश। और रेलवे में खुद सोचो बाबू, बहाली हुआ क्या? अच्छा मान लो 3 लाख जो पद खाली है, 3 लाख जो पद खाली है, वो पद पे काम कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? कैसे काम चल रहा है भैया? तो आप बोलेंगे भैया आपको पता नहीं है। सबको तो पता है भैया, रेलवे में ना भैया आज के डेट में ना भैया बहुत सारा काम कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया है, बहुत सारा काम कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है, 10,000-15,000 पे। अच्छा इसका मतलब ये हुआ रेलवे जो है वो आधा से ज्यादा जो है वो प्राइवेट हो गया है। आपका कहने का मतलब ये है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका दिमाग आप सोच रहे हो ऐसा, ठीक है भैया। एक समय ना जो इंडियन रेलवे था ना भैया, वो सिर्फ प्रॉफिट में ही रहता था, और रेलवे इतना प्रॉफिट में रहता था एक समय, उससे ना भैया इंडिया के बाकी विभाग जो है वो चलते थे, ठीक है भैया। और रेलवे में पहले इंप्लॉय भी बहुत अधिक थे, यानी इंप्लॉय का जो है वो सैलरी भी दे दो, इंप्लॉय खुश भी था रेलवे का, और उसके बाद पैसा बचाकर रेलवे से भारत के बाकी विभाग भी चलते थे, अलग विभाग भी, इतना पैसा था रेलवे में। आज के डेट में रेलवे से मतलब कुछ दिन 17 का राज्यसभा में लोकसभा में बयान था पीयूष गोयल का कि रेलवे जो है वो 1 रुपए भी नहीं कमा पा रहा है। क्यों, क्या क्यों नहीं कमा पा रहा है? इतना डिजिटली हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, क्यों? पहले तो रेलवे सही था, अभी क्या हो गया रेलवे में? ये सोचने वाली बात है और आपको सोचना पड़ेगा। ये फिजिकल प्रोटेस्ट बोल करना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा दिमाग लगा के सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूं।